नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। रणभूमि बना कांग्रेस भवन, सुखू वीरभद्र समर्थकों की जंग में कई जख्मी। दो सड़क हादसों में दो मौतें, पांच सवार जख्मी। हिमाचल पर अग्निदेव की टेढ़ी नजर, तीन हादसों में लाखों का नुकसान। डलहौजी सिविल हॉस्पिटल कायाकल्प में नंबर वन, सरकाघाट दूसरे, नाहन मेडिकल कॉलेज तीसरे स्थान पर। बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए तैयार रहे सरकारी शिक्षक। और प्रफुल्ल अर्जुन तेंदुलकर की कातिलाना गेंदबाजी, कूचबिहार ट्रॉफी में मुंबई से हारा हिमाचल। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप राठौर की विधिवत ताजपोशी का दिन पार्टी के इतिहास में एक बदनाम दाग के रूप में दर्ज हो गया। गुरुवार को उम्मीद थी कि वाद विवाद में उलझे कांग्रेस नेता एक मंच पर आकर सारे गिले शिकवे भुलाकर सबको एक कर देंगे, पर हुआ वह जो किसी ने सोचा न था। अभिनंदन समारोह के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं के सामने वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सुक्खू के समर्थक कुछ ऐसे उलझे कि कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बात तब बिगड़ी जब समारोह के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह राजीव भवन पहुंचे। उनके भीतर पांव धरते ही वहां पहले से मौजूद सुखविंदर सुक्खू समर्थकों ने पूर्व अध्यक्ष के पक्ष में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। ये सिलसिला थमते न देख वीरभद्र समर्थक भी तैश में आ गए और उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। 10 मिनट बीतने पर भी नारेबाजी का दौर नहीं थमा तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कार्यकर्ताओं को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन प्रयास काम नहीं आए। देखते ही देखते दोनों धड़ों के कार्यकर्ताओं ने वहां रखी कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर हमला बोल दिया। फलस्वरूप विधायक राजेंद्र राणा सहित कई कार्यकर्ता घायल हो गए। सुखविंदर सुक्खू के कट्टर समर्थक इंटक महासचिव राजीव राणा की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि इन्हें इलाज के लिए IGMC पहुंचाना पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद कई कांग्रेसी जान बचाकर भाग खड़े हुए। लगभग 15 मिनट तक जारी घमासान के बाद कांग्रेस कार्यालय किसी जंग का मैदान नजर आ रहा था, जिसकी गवाही मौके पर टूटकर बिखरी लगभग 50 कुर्सियां चीख चीख कर दे रही थी। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने इसे नौजवानों का जोश कहकर स्थिति संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इन कार्यकर्ताओं की ये पहली गलती माफ की जाएगी, लेकिन दोबारा ऐसा होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल और सड़क दुर्घटनाओं का मानो चोली दामन का साथ हो गया है। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब कहीं ऐसी कोई मनहूस घटना पेश न आए। गुरुवार का दिन भी कुछ अलग नहीं रहा और प्रदेश में दो सड़क हादसों में एक बच्चे सहित दो लोगों की जान चली गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात चंडीगढ़ की ओर जा रही एक कार कंडा घाट के समीप लगभग 1000 फुट गहरी खाई में जा गिरी। नतीजतन किन्नौर निवासी एक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी दुर्घटना कुल्लू जिला के सैंज में सलवाड़ के समीप घटित हुई। 6 माह के एक बीमार शिशु और उसके परिजनों संग कुल्लू अस्पताल के लिए निकली एम्बुलेंस की ब्रेक अचानक फेल हो गई। भला हो ड्राइवर का जिसने होश नहीं खोए और गाड़ी खाई से बचाकर पहाड़ी की ओर मोड़ दी। हालांकि इस दौरान वह स्वयं, एम्बुलेंस में सवार बीमार बच्चा और 3 परिजन घायल हो गए। सभी परिजनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्चे की गंभीर हालत देखते हुए उसे PGI रेफर कर दिया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गुरुवार को हिमाचल अग्निदेव के क्रोध का खूब शिकार बना। इस दौरान 3 अलग-अलग हादसों में आग ने लाखों की संपत्ति चाट डाली। पहली घटना सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में पेश आई, जब खाद्य सामग्री से भरा एक कैंटर बहराल बैरियर के समीप पीच सड़क लपटों में गिर गया। वाकई से घबराए ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान तो बचा ली, पर गाड़ी और इसमें लदे सामान को व्यापक नुकसान पहुंचा। दूसरे हादसे का गवाह राजधानी का संजौली क्षेत्र बना, जहां एक डॉक्टर के आवास में आग भड़क उठी। सुबह लगभग 8 बजे पेश आई घटना की खबर पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया। करसोग को भी ऐसी ही अनहोनी का गवाह बनना पड़ा, जब समीपवर्ती थनाली गांव में एक 3 मंजिला भवन आग ने घेर लिया। लोगों ने मदद की लाख कोशिश की, पर धरातल के 2 कमरों और उनके अंदर रखे लाखों के सामान को बचाया नहीं जा सका। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कायाकल्प योजना के तहत चंबा जिला के डलहौजी सिविल अस्पताल ने सबको पछाड़ते हुए प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है।
जिला मंडी का सरकाघाट अस्पताल दूसरे जबकि नाहन मेडिकल कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा। बता दें कि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी अस्पतालों की बेहतर प्रबंधन और सफाई व्यवस्था के आधार पर समीक्षा करती है। इसी के बाद विजेताओं के नाम का ऐलान किया जाता है। पहले 3 स्थान पाने वाले अस्पतालों को क्रमशः 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कायाकल्प अवार्ड 2018 का परिणाम घोषित किया गया है और इसमें सिविल अस्पताल डॉजी को प्रथम स्थान मिला है। अकेले ये पॉसिबल नहीं था, जो हमारी टीम है, अस्पताल के तमाम स्टाफ मेंबर्स हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूल अध्यापकों को केवल वार्षिक परीक्षाओं का संचालन ही कुशलता से नहीं करना है बल्कि नकल रोकना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने ये बात ऊना के सलोह स्कूल में कही। वह जिला के स्कूल मुखियाओं के साथ आयोजित बैठक में अपने विचार साझा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस काम में अध्यापकों की मदद के लिए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे और विभिन्न उड़न दस्ते भी औचक निरीक्षण के माध्यम से नकलचियों पर नकेल कसेंगे। अभी वर्तमान में परीक्षाओं का संचालन होगा तो परीक्षाएं सरल रूप से हो जाए, उनमें कोई इस प्रकार की नकल को कैसे हम रोक सकते हैं। ऐसे कई मामले आते हैं कि नकल बहुत होती है, तो नकल रोकने का प्रयास अध्यापकों के माध्यम से किया जाएगा। मुझे विश्वास है अध्यापक इसमें आगे आएंगे, मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करूँ। और भी व्यवस्थाएँ की गई हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाने की व्यवस्था है, फ्लाइंग स्क्वाड्स है, लेकिन ये प्रशासनिक व्यवस्था है। यदि नकल रोक सकते हैं तो अध्यापक ही रोक सकते हैं और इनको आगे आना पड़ेगा। कंगना रनौत बेशक बॉलीवुड की क्वीन बन गई हो लेकिन उनका दिल आज भी हिमाचल के लिए धड़कता है। यही कारण है कि कुलदेवी माता अंबिका के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंडी जिला स्थित पैतृक गांव दभोई पहुंची कंगना प्रदेश के लिए चिंतित नजर आईं। हिमाचल में कंक्रीट के जंगल तले गुम होती हरियाली से दुखी अभिनेत्री ने कहा कि हमें पहाड़ का ख्याल रखना होगा। जिसका सपना है भागा दौड़ी में जाने का या उस जिंदगी का हिस्सा बनने का, वो बने। लेकिन हमारे लोग अगर यहाँ पे खेती करके खुश है, अगर हमारे लोग यहाँ पे कुछ और जॉब करके खुश है या इसे सब संपन्न बनाना चाहते हैं, जिस तरह से अभी जितना ग्रीन कवर है वो सारा खत्म किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जो जितने भी मंकीज वगैरह जानवर हैं सब खुले में आ गए हैं, तो हमें हिमाचल का ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब लोग अपने स्टेट का ध्यान रखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे इस जगह का, इस खूबसूरत जगह का ध्यान। प्रदेश के प्रकृति प्रेमी लोगों और यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य की कायल कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें हिमाचल आकर ही सच्चा सुकून मिलता है। यही कारण है कि वह वक्त मिलते ही झट यहाँ पहुँच जाती हैं। धूप सेंकने के शौकीन हैं तो आपके पास शुक्रवार और शनिवार दो दिन हैं, क्योंकि इसके बाद 4 दिन तक सूर्यदेव के दर्शन दुर्लभ होने के आसार हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20 जनवरी से आसमान पर बादलों का राज होगा। इस दिन प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हालांकि 21 से 23 जनवरी तक पूरा हिमाचल कंप कंप आएगा, क्योंकि इन 3 दिनों में लगभग हर स्थान पर भौगोलिक स्थिति के अनुसार हिमपात और बारिश का लंबा दौर चलेगा। इस बीच गुरुवार को खिली धूप ने प्रदेश के लोगों को ठिठुरन से कुछ राहत पहुंचाई, लेकिन न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से 3 डिग्री नीचे बना हुआ है। और अब खेल समाचार। पुणे में खेली जा रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंडर-21 कबड्डी में हिमाचल की बेटियों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। गुरुवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में हिमाचल की टीम ने महाराष्ट्र को मात देकर खिताबी मुकाबले का टिकट पाया। सेमीफाइनल मुकाबले में प्रदेश की टीम ने मेजबान महाराष्ट्र को 23-19 से हराया। अब हिमाचल का फाइनल में मुकाबला हरियाणा से शुक्रवार को होगा। बीसीपीए क्रिकेट मैदान ऊना में अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी में मुंबई ने शानदार 162 रन से जीत दर्ज की है। 396 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हिमाचल की पूरी टीम दूसरी पारी में 233 रन पर सिमट गई। मैच के चौथे एवं निर्णायक दिन गुरुवार को मुंबई के गेंदबाज प्रफुल्ल ने सर्वाधिक 5 व अर्जुन तेंदुलकर ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया। इस जीत की बदौलत मुंबई को 6 अंक मिले हैं, जबकि मेहमान हिमाचल के हाथ खाली रहे। और अब चलते चलते
सामान्य वर्ग के आरक्षण पर शनिवार को स्पष्ट होगी स्थिति। कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा सबसे बड़ा एजेंडा। लैप्स नहीं होंगे एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टरों के साप्ताहिक अवकाश। भत्तों की अदायगी भी जल्द। सिंगल विंडो मीटिंग में 1,000 करोड़ के 24 प्रस्तावों को मंजूरी। प्रदेश में खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का एक पेपर रद्द, अब 24 फरवरी को दोबारा लिया जाएगा इम्तिहान। और हिमाचली तड़का में देखिए रुमेल सिंह अनप्लग्ड। हाय ढोला तेरा मेरा नखरा, हाय ढोला तेरा मेरा नखरा, हाय ढोला तेरा मेरा नखरा, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।